हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त आप सभी जानते थे कि मैं दो चार पाँच दिनों से बीमार चल रहा था, वो भी वैक्सीन के कारण। बट ठीक हुआ, फिट हूं, आई फील वेरी गुड। तो दोस्त, आज मैं सोचा कि आप लोग से कुछ बात कर लूं और इसी वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी बच्चों को मोटिवेट कर दूं जो बच्चे घर पे बैठे हैं और अपने इस टाइम को, जो लॉकडाउन का टाइम है, वेस्ट कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आप ट्वेल्थ की तैयारी करते हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो दोस्त किसी काम में दिखावा ना करो। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी दोस्त जबरदस्ती न करो, तैयारी जबरदस्ती न करो। तैयारी करना है दोस्त तो जबरदस्त करो। जबरदस्ती तैयारी करने से क्या फायदा? बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि जबरदस्ती लगता है कि उनके ऊपर बर्डन है, बाय फोर्स किसी की दबाव है, प्रेशर में है, तब तैयारी करते हैं। कि वाय, बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्वेल्थ की ही तैयारी करते हैं, क्यों करते हो ऐसी पढ़ाई? जबरदस्ती पढ़ने से या जबरदस्ती तैयारी करने से क्या फायदा? तैयारी करनी है तो जबरदस्त करो कि तुम्हारी तैयारी की गुणगान, तुम्हारी तैयारी की जो शोर है सबको पता लग जाए। यार मैं बहुत सारे बच्चों से सुनता हूं, सर मैं 5 सालों से तैयारी कर रहा हूं, मैं सर 7 सालों से तैयारी कर रहा हूं। कोई बोलता है सर मैं 10 साल से लगा हूं यूपीएससी और बीपीएससी के चक्कर में, आज तक क्वालिफाई नहीं किया। कोई बैंक की तैयारी कर 8 साल से, आज तक क्वालिफाई नहीं। क्यों? क्या फायदा उस तैयारी से? माय डियर स्टूडेंट्स, क्या फायदा है? पढ़ाई दिल से करो, अपनी सुनो। इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। इसका मतलब ये हो माय डियर फ्रेंड, अगर तुम अपनी मदद स्वयं नहीं करते हो, इस संसार में साला कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हारी मदद कर दे। सारे फिलॉसफी, मोटिवेशनल स्पीच वीडियो में अच्छे लगते हैं दोस्त, बहुत सारे यूट्यूब पर लेक्चर देते हैं कि कामयाब होने के 5 मूल मंत्र, हाउ टू डेवलप माइंड, ये 5 तरीका अपनाओ और जिंदगी में सफल हो जाओ। अरे मुझसे तो गाली निकलता है दोस्त, ये सब कहने की बात है। जब तक तुम नहीं चाहोगे माय डियर फ्रेंड्स, तब तक इस धरती पे कोई पैदा नहीं हो जो तुम्हारी मदद कर दे। आई विल गिव यू वेज, आई विल गिव यू कॉन्सेप्ट, आई विल गिव यू ट्रिक्स, आई विल गिव यू ट्रैक, बट ऑन दैट ट्रैक यू हैव टू वॉक। मैं तुम्हें यार तरीका दे सकता हूं, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, चलना तो तुम्हें है ना माय डियर, चलना तो तुम्हें है दोस्त। तो प्लीज देखा देखी पढ़ाई मत करो, किसी के दबाव में पढ़ाई मत करो, किसी दोस्त के देख कर कि हाँ मेरा दोस्त पटना पढ़ रहा, दिल्ली पढ़ रहा, तो मैं भी पढ़ूंगा तो नौकरी हो जाए, ऐसा काम ना करो। अपने दिल की सुनो, अगर दिल बोलता है कि सर यू आर फिट फॉर बिजनेस मैन, सो नाउ गो एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अगर दिल कहता है कि दोस्त आप किसी कलाकारी में फिट बैठते हैं, यानी कि आप सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, आप कोरियोग्राफी तो कर सकते हैं, तो उसमें जाओ दोस्त। दिल मांगता है कि यस यू कैन ज्वाइन ए स्पोर्ट्स लाइन, सो यू नाउ गो एंड ज्वाइन ए स्पोर्ट्स लाइन माय डियर। बट दिल की सुनो, जबरदस्ती कोई काम नहीं करना है। जब भी करना है तो कौन सी बात? अपनी दिल की सुनो, अपनी दिल की सुनो माय डियर, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मुझे आज भी
एक लाइन याद है गाना का कि यूं तो अकेला गिरकर भी संभल सकता हूं मैं, यूं तो अकेला गिरकर भी संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। ये लाइन है दोस्त, गजब का लाइन है, रियली आई लाइक दिस लाइन। अपने आप में विश्वास करो, कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग, बट जबरदस्ती काम नहीं करना है दोस्त, काम जबरदस्त करना है। ओके दुनिया में कोई भी काम अगर यू आर गोइंग टू रन इन द ग्राउंड, ग्राउंड में दौड़ने जा रहे हो तो जबरदस्ती मत दौड़ो, जबरदस्त दौड़ो। क्रिकेट भी खेलते हो ना, अगर यू आर पैशनेट फॉर क्रिकेट, यू आर रियली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, सो जबरदस्ती क्रिकेट मत खेलो माय डियर, जबरदस्त खेलो, देन यू विल बी सिलेक्टेड इन आईपीएल। ऐसा खेलो कि सिलेक्शन हो जाए। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, SSC, बैंक, रेलवे, CPO, CGL, किसी की तैयारी करते हो तो जबरदस्ती क्यों कर रहे भाई? करना तो जबरदस्त करो ना, तुम्हारे गांव के हर एक बच्चा तुम्हारे लिए क्या बन जाए, तुम उसके लिए मिसाल बन जाओ, एग्जाम्पल बन जाओ यार, कहीं भी लोग तुम्हारे एग्जाम्पल दे। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के, प्लीज डोंट गिव एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल, तुम एग्जाम्पल बनो। कब तक किसी का उदाहरण दोगे यार, कब तक किसी दूसरे का उदाहरण दोगे, कब तक एग्जाम्पल देते रहोगे कि मेरे गांव में फलानवा ये किया, मेरे गांव में ठेकानवा ये किया, मेरे रिलेटिव में फलानवा ये किया, मेरे जान पहचान में बंदा ये किया, क्यों क्यों दूसरे की ऐड कर रहे हो, पैदा हुआ ऐड करने के लिए? तुम क्या करो माय डियर, व्हाई आर यू नॉट बीइंग एग्जाम्पल, तुम क्यों नहीं बन रहे हो? कब तक देंगे एग्जाम्पल भाई साहब, कब तक? हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और लगे मेरी बातें, अजीब लगता हो, बट मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही सोचता हूं, मैं ऐसा ही हूं, आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ फॉर यू। कोई बात नहीं, आप डिसलाइक मारो, बहुत सारे बच्चे डिसलाइक मारते हैं, कुछ तो आते, कुछ तो पैदे हुए आते ही डिसलाइक मारते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, ना तो लाइक का पैसा मिलता है ना डिसलाइक का मिलता है। बट मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जहां भी जाना, जिस क्षेत्र में जाना, कोई भी काम करो, मार्केटिंग का काम करते हो, बिजनेस ही करते हो, जबरदस्ती मत करना, जबरदस्त करना। टीचिंग नहीं करते हो, पढ़ाना चाहते हो तो जबरदस्ती मत पढ़ाना कि मेरे पेरेंट्स के फोर्स पे पढ़ा रहे हैं या दोस्त के फोर्स पे पढ़ा रहे हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं। नहीं 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 डियर, यू आर रॉन्ग। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चक्कर में कोई काम मत करना, काम इतना दिल से करो, जबरदस्त करो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तुम्हारे लिए क्या लग जाए, आसान चीज हो जाए, या तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा पैसा, बस काम तो जबरदस्त करो। ओके तो मैं इस वीडियो में इसलिए आया दोस्त कि मैं सूचना दे दूं कि कल से लाइव चलेगा फिर। ओके और आज मैं रियली आई फील वेरी बेटर माई सेल्फ, अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, 5 दिन बाद मैं फिट हो गया, कल से मैं पढ़ाऊंगा, तब तक ले थैंक यू वेरी मच, बट मेरी बातों पर ध्यान देना। कभी भी मैंने क्या बताया कि इफ यू डोंट हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योर सेल्फ। अगर तुम अपनी बात स्वयं नहीं करते हो तो धरती पर साला कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हारी मदद कर दे। मैं पढ़ा सकता हूं, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, आई कैन गिव यू वे ट्रैक, सब कुछ दे सकता हूं, बट तरक्की तो तुम्हें खुद करना है ना। इसीलिए आप सबसे मैं बार बार बोलता हूं भाई साहब, यहां सोचो, यहां महसूस करो, उसके बाद चूज करो विच इज गुड एंड बैड फॉर यू, तब उसमें लग जाओ, दिल से लग जाओ। क्योंकि अब मैं देख रहा हूं पढ़ाई का लेवल भी अब घट रहा है दोस्त, अब पढ़ाई में बहुत सारे वेरिएशन आ गए हैं, अब थंबनेल ऐसा बनाया जा रहा है कि बच्चे लगे कि बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए, बच्चे पढ़े, थंबनेल देख के पढ़ने जाए, उसमें भी सेक्सुअल चीज ढूंढे, थंबनेल पर
सेक्सुअल चीज डालते हैं आज के टीचर जो यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, ताकि इससे बच्चे अट्रैक्ट हो, उसको एक बार क्लिक करे। पढ़ाई ऐसा, मुझे विश्वास बिलीव नहीं था कि पढ़ाई यहां तक पहुंच जाए। तो आप सभी भाई बंधुओं से, दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज सुनो, दिल की सुनो, कोई काम करो तो मन से करो, नहीं तो ऐसे ही बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। हो सकता है आने वाले 10 सालों में, जब हम लोग इतना फेस कर रहे हैं अभी, तो आने वाले 15 साल के बाद जनसंख्या और ज्यादा हो जाएगी दोस्त, और कंपटीशन टफ हो जाएंगे, और तुम्हें तुम्हारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम रहेंगे जिसे तुम्हें फेस करना होगा। हो सकता है आपसे बर्दाश्त ना हो, यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग, तो आप आत्महत्या करोगे। ओके, तो आप सभी भाईजन से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनो, बुरा मत मानना, मैंने आपको ये सब कुछ बताने के लिए किया। अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।